युवाओं को एक ही छत के नीचे रोजगार का मौका देने के लिए आज से जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस जॉब फेयर में शामिल हुए और प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएगी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में पहले इस फेयर को एक दिन कराने का प्लान बनाया गया था, लेकिन फेयर के प्रति युवाओं के उत्साह को देखते हुए उसे दो दिन का कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 44,000 युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 39,477 युवक और 3,612 युवतियां शामिल है। इंटरव्यू के लिए स्लॉट और कंपनी के संबंध में SMS के माध्यम से जानकारी दी गई। आज यहां 15,000 से अधिक आशार्थी पहुंचे, जिनका विभिन्न सेक्टर की कंपनियां इंटरव्यू कर जॉब देगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों 50 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिलाए गए। माना यह जा रहा है कि करीब 10,000 युवाओं को रोजगार यहां उपलब्ध कराया जाएगा और इनमें पहले दिन 5,000 से अधिक युवाओं को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इस जॉब फेयर में देश भर से निजी क्षेत्र की 60 से अधिक नामी कंपनी आई है, जो प्लेसमेंट के माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को जॉब देगी। इस दौरान युवाओं को करियर गाइडेंस और उनके फायदे के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। पंजीकृत होने वाले युवाओं का प्रोफाइल कंपनियों के साथ शेयर कर भविष्य में जल्दी ही दूसरा फेयर आयोजित कर रोजगार पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि अगला बजट उन्हीं को समर्पित होगा और साथ में उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वह बजट के लिए सरकार को सुझाव दें ताकि बजट में इनको शामिल किया जा सके। साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब राज्य स्तर के अलावा संभाग स्तर और जिला स्तर पर इस तरह के जॉब फेयर आयोजित होंगे। बीकानेर नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में उपचुनाव हो रहा है और इसकी वजह है कि जो महोदया पार्षद बनी थी उनकी सरकारी नौकरी लग गई, ऐसे में उन्होंने सरकारी सेवा को चुना ना कि जनता की सेवा को। यहाँ पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जहाँ कस्तूरी देवी को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने कांत्या भाटी को मैदान में उतारा है। इस वार्ड में 5,806 मतदाता हैं। आज दोनों ही दलों के नेताओं के साथ दोनों दलों की प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस से शहर जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत, प्रदेश सचिव जियाउर रहमान आरिफ सहित अन्य नेता मौजूद रहे, तो भाजपा से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। दोनों दलों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हालांकि इस उपचुनाव का परिणाम बोर्ड पर कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अपने आप में ये थोड़ा अनोखा है कि जब एक पार्षद जो चुनी गई, जनता ने जिसे चुना, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो उसने जनता की सेवा के बजाय सरकारी सेवा को प्राथमिकता दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता उस पार्टी के साथ जाती है या नए दल के साथ जाएगी। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब ट्रोले ने एक जीप को टक्कर मार दी। हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से कोटा भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार कुछ 12 और कोटा सकतपुरा निवासी केशव राय पाटन केशव भगवान का भर रहा मेला देखने के लिए आ रहे थे, तभी गामच के पास अनियंत्रित होकर ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी, जिससे सकतपुरा निवासी एक युवक और एक 12 निवासी युवक की मौके पर ही घटना के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सभी घायलों का कोटा अस्पताल में इलाज जारी है। केशव राय पाटन थाना पुलिस द्वारा ट्रक चालक की तलाशी की जा रही है। IG गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर सवाई माधोपुर पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 6,73,000 रुपए लूट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर विगत दिनों आलनपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई बैंक डकैती की वारदात का सवाई माधोपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 सात्र बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आलमपुर में 3 हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों बदमाश हथियार की नोक पर बैंक से 6,73,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पकड़ में आए तीनों आरोपी जिला मुख्यालय स्थित हमीरपुर कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं। पुलिस की पकड़ में आए तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं वारदात में लिए गए हथियार और लूट के पैसे अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं।